हाँ, exactly. वाइट में क्या बुराई है तो वाइट तो पाकिजगी की, तो की अलहमदल्ला बड़े पाकिजा लोग हैं हाँ, हाँ, तो ये इसलिए मौसम exactly. ठीक है yeah. वहाँ का बड़ा जबरदस्त वी आई पी अलहमदल हाँ, सबसे पहले माहरा खान को मुबारकबाद बहुत मुबारकबाद उनकी शादी की वीडियो छोटी छोटे देखे मेरा नहीं ख्याल जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड बाकायदा हमार्ड करे कोई फोटोशूट या फोटो नहीं, से तरह नहीं आई तो बड़ा उन्होंने अपनी प्राइवेट इंटरमीट उनकी शादी की सेरेमनी थी भूरबन में में जहाँ पे बहुत ही उनके सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद थे मीडिया का कोई ऐस दो सौ लोग थे लेकिन मीडिया से नॉट इवन फ्रॉम द इंडस्ट्री ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो होंगे हाँ कुछ दिमाग नहीं मानता कि ना हो लेकिन देखा किसी को नहीं ना किसी को कोई हमने नहीं, नहीं नहीं वहाँ पे उनके सब... दो तो डेफिनेटली होंगे मीडिया okay. से नहीं फ्रेंड्स से होंगे मे बी फ्रेंड्स जी बट विशिंग माहिरा एंड सलीम ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट माहिरा लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल शी वाज वेयरिंग फराज मनान एंड बड़ी खूबसूरत वेल थी और बड़ी खूबसूरत ऑल बाइट्स के लिए भी छोड़ दूंगी ओह ठीक okay. है आंसू की बात ना करें आप चाहते हैं अच्छा हॉट बाइस पे मैंने कहा तब तक शायद कुछ तस्वीरें आ आफ्ट आ जाए कोई फोटो शूट जाए आफ्टर पार्टी की तस्वीरें आ जाए आफ्टर पार्टी की हाँ। कोई आ जाए हमें पता लग जाए कौन सेलिब्रिटी से हाँ। आप एक दो तो फोन घुमा के शायद कोई इन्फॉर्मेशन ले पाए ले पाए कि क्या हुआ है इवेंट के बारे में कुछ तो अभी तो मैंने कहा खाली हमें अच्छा नहीं लगता कि एक इतना बड़ा इवेंट हुआ हमारा अभी तक जब तक हमारी वीडियो आएगी ऐसी मेरी खबरों में है कि शायद कपल तो हनीमून के लिए जा चुका हो अच्छा देखा ना फिर खबरें हैं हाँ, तो थोड़ी बहुत तो मिली जाती है हाँ, से। तो फिर हैं से है है? सारी इन्फॉर्मेशन क्या छोड़ा बट बॉटम लाइन ये है यार बहुत सारा बहुत मुबारक बात ऑफ दिगेस्टार्ट उनकी शादी हुई है तो वाकई में एक बड़ा मैंने देखा लोगों ने अच्छे तरीके के साथ उनको बहुत, किया बहुत, बड़ा बहुत, प्यार भेजा सबने उनको सो मे अल्लाह ब्लेस देम बोथ एब्सोल्युटली आमीन उसके अलावा ऐसे पिछले एक दिन में कुछ नहीं हुआ खास नहीं तो ड्रामो की ओर चलें फिर मेरे ख्याल है ड्रामो की ओर चलते हैं मैंने और आमना जी ने जब पेन डाउन किए

करता हूं। भी नहीं बात। तो, तो, हाँ, तो फारूक भाई को भी पसंद करता हूँ बिलाल को भी पसंद करता हूँ और, और क्या चाहिए और क्या फिर तीनों को पसंद करता हूँ लेकिन एक... मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ तो मैं तो खुल के बात भी करूंगा एम वेरी एक्साइटेड फ्रेड उस वक्त तक हमारे पास है यू ही आखिरी फिर है हमारे पास नीम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी केस इंटरेस्टिंग पसंद आई मुझे और एक अदर हमारे पास है बाईस कदम की 22 कदम की ये और तो हमारी रेगुलर ट्रांसमिशन थी फिर जब हमने कहा कि तीन खाली ड्रामा में क्या करें तो आमना जी से मेरी बात हुई तो आमना जी ने कहा मैं देख लो हां मैंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूं हां तो जब मैंने मैं देख लिया तो मैंने कहा क्यों ना तुम्हारे हुस्न के नाम भी देख लू मैंने भी देख लिया मैंने भी दे... मैंने वो भी देख लिया हम दोनों ने देख लिया हाँ। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने देख लिया मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारे हुस्न मेरे मेरे पास पास बहुत बहुत कुछ है है भी जबरदस्त तो बस कहीं जा नहीं रहे फिर आप भी कहीं ना जाइए हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद जी कहां से शुरू तुम्हारे हुस्न के नाम तुम्हारे हुस्न तुम्हारे हैं के नाम तो ये अच्छा टर्न लिया दादी जो है वो अब्बा जान वो देर आए लेकिन दुरुस्त आए और बड़ा मुझे अच्छी इट वॉज़ अ वेरी फास्ट मूविंग एपिसोड जिसमें उन्होंने वो ले भी आए उसको ये ऑफ कोर्स एतराज़ बनता है कि यार आपको उसकी शक्ल देख के नहीं नज़र आ रहा था कि उसको मार पड़ रही है आपके दोस्त ने आके आपको कहा कि सोसाइटी में हर बंदा बात कर रहा है दैट हर हस्बैंड इज़ बीटिंग द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ हर तब उनको कुछ अकल आई कि हाँ भाई ये हो रहा है तो लेकिन वो ले आए अपनी बेटी को और शुक्र है बेटी चली भी गई उसने ये नहीं कहा कि नहीं अब आपने एक दफा मुझे इस बंदे के, के हवाले किया मैं तो अब नहीं जाऊँगी टू शुक्र है वो चली भी गई और जी ने यह भी कहा भी बता भी दिया उन्होंने कि मैंने हरकत क्या की है पहली हरकत की थी है। बात यह है कि मैंने अंकल की पहले तारीफ की जी फिर मैंने अंकल का वो क्रेडिट वापस लिया मैं भी वापस देना चाहूंगा और ठीक है शुक्र है कि Humans होते हैं हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चे भी गलतियां करते हैं फिर बच्चे माफी मांग लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कोई रेक्टिफाई करें इसी तरह अंकल ठीक है उन्होंने बेटी की चाहत में ऐसे बुरे बाप तो नहीं है ना उन्होंने डिसीजन ये लिया कि यार मैं बेटी को खुश देखना चाहता हूँ जब वो गए भी उसके घर देखने कौन बाप होता कहता है यार मैं तुम्हें शादी देने के लिए तैयार हूँ अपनी बेटी हॉस्टल में वो रह रहा है एक लड़के ही लड़के वहाँ पे उसका कुछ रहने सहने का इंतजाम नहीं है बर्तन भी नहीं है तो अंकल को तो नहीं पता था कि आ, वो कैसा निकलेगा लड़का मतलब प्यार पे भरोसा नहीं किया अंकल प्यार पर नहीं किया चलो ठीक है उन्होंने अपनी बेटी का हाँ। सुख देखा यार के डायमंड के नेकलेस पहनेगी हाँ, और फैक्ट्री ओनर हाँ। है और और ठीक है लोग लोग हैं हैं जो आते उसके अब्बा इतने बुरे हैं भी नहीं तो उन्होंने उन्होंने कहा कि यार खाते पीते कर दिया एक लेकिन उन्होंने फौरन मान लिया कि यार गलत फैसला होता है जो आप बात कर रही है ना मुझे वो ऑड बात लगी कि यार बेटी की शक्ल देख के नहीं बेचाना लेकिन मेरे ख्याल में पेरेंट्स कुछ डिनाइल में भी रहते हैं कुछ अरसा सही बात है जैसे माँ का दिखाया गया कि माँ डिनाइल में थी मुझे इस बार माँ से इस वक्त इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई कि एटलीस्ट एक पेरेंट को तो सेन दिखाया आ, आपने। मां भी एंड पे अपोलोजाइज करती है करती भी है हाँ, हाँ। और आपने एक पेरेंट को तो सेन दिखाया ना तो ठीक है एक पेरेंट अगर कह भी रहा है कि बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है भेज दे हाँ अनोइंग लग रहा था लेकिन देन द मदर द वे दैट शी स्पोक टू मदर द मदर इन लॉ दूसरी जो लड़का आतिफ की माँ है फिर बेटी के साथ जैसे गले लग के रोई अपोलोजाइज किया माफी मांगी ठीक है यार पेरेंट से भी गलतियां हो जाती कौन कहता कि पेरेंट्स कोई गलतियों फ्लॉलेस होते बिल्कुर, हैं बिल्कुल 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 और और साथ में अंकल ने जब ये बात बोली ना कि मैं गलती तो मैंने की सॉरी लेकिन मैं इसका अजाला भी करूंगा हाँ। मुझे पसंद आई बात एब्सोल्युटली तो, ठीक है टू तो एरर्स ह्यूमन और ठीक है तो, बट अब to ये is, is, मुझे नहीं पता मैं अल्लाह का ट्रेट है माफ कर देना तो बहुत बड़ी बात है अच्छा तो अब ये हुआ बीच में मैंने अब ये सोचा कि ये जो डिटोर हमने लिया है क्या ये मतलब इस एक्सट्रीम पे गए हम ये नहीं कि गए शादी ना होती शादी हुई लेकिन वहां पे जो दो किस्तें हम इतने इतना अनकंफर्टेबल फेस किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए यातिफ ने उसको मारा और वो बिल्कुल बुझ गई कि मतलब बिल्कुल ही उसका जैसे स्विच ऑफ हो गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मेरे ख्याल जरूरी था मुझे ऐसा लगता है इन रेट्रोस्पेक्ट कि कि वो जरूरी था दिखाना कितना बुरा है तो माया सही कहती है ना आप लोग वेट कर लिया करें नहीं आप हम एज इट इज़ लेंगे हमने देखते रहे हम ने इसको गिव अप नहीं किया क्योंकि हमें पोटेंशियल था कि या नहीं यार कुछ होगा लेकिन ये है कि मुझे लेकिन अभी भी उसके सलमा के कैरेक्टर से थोड़ा सा है कि बुझ तो गई आई अंडरस्टैंड इट कि वो शी फेल लव कि सिकंदर किन आप शादी कर दी माँ बाप ने जल्दी में ज़बरदस्ती में और फिर यातिफ़ इतना बुरा लिखा तो वो बिल्कुल शी हैड काइंड ऑफ गिवन अप होप एंड एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड ठीक है मेरा मानना यह है कि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी, थोड़ी सी, सी कम हो सकती थे हाँ, हाँ। 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 क्योंकि वो ये हुआ कि हम तो एक लव एक रुम, क्लासिक रोमांस है एकदम बहुत हम उस टेरिटरी में चले गए थे वो जो 90s वाला बॉलीवुड फेज होता था 80s वाला तो वो मुझे मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया ओवर हो गया था तो आई विश कि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती बाकी तो ऑब्वियसली ठीक था जी बिल्कुल तो ये मैं कह रहा बहरहाल आई एम हैप्पी दैट आई वॉच दिस एपिसोड

and it's like theek hai ek journey hai do logon ki no the, No, because the father now wants to reach out to sikandar yeah. so you saying that he will not have a chat with him because there is no way if the father reaches out to sikandar sikandar will be too late i think it will be too late नहीं भाई सोचने की बात है ना कि अंकल को इतना टाइम क्यों लगेगा अब तो कार्ड भी घर पे आ गया मोबाइल शोबाइल तो है नहीं कि फटाफट फोन किया है yeah, I mean, पहले I mean, भी वो पहुंच गए थे उसके अपार्टमेंट में oh, उसके हॉस्टल के कभी फिर भी आई डोंट नो आई डोंट नो बट इट्स इंटरेस्टिंग और इट्स काइंड ऑफ बिटर स्वीट उसको पता भी है दैट ही स्टिल लव्स और आई डोंट नो आपको क्या लगता है कि एक प्यार की फीलिंग जो है एक इश्क जो है उसके साथ जिंदगी गुजारना गुजारी जा सकती है अगर आपको पता है ना वो कहते हैं ना वेनिंग ऑफ मोहब्बत इश्क इस बंदे को है मेरे से मुझे भी इससे है और मैं अकेली भी जिंदगी गुजार लूंगी इसकी याद में हुँ. या इस uh, उम्मीद में कि you know, उम्मीद भी नहीं इस याद में कि इश्क है हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का था आई थिंक इट्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम प्लस वो इंडिपेंडेंट अब है अगर उसके माँ बाप सपोर्ट करेंगे उसको तो शील हैव अ करियर इन आर्ट्स एंड यू नो तो आई आई थिंक इट्स गुड आई आई लाइक नो नो आई लाइक द इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स आई लाइक टू वॉच इट नेक्स्ट वीक एज़ वेल व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द फ्रेंड बिहाइंड मुनीज़ है आई वाज अगेन अब वो खड़ी भी यहां पे है and आर्ट दे सीइंग या तो वो पर्पसली उसको कह रही थी कह रहे थे हां एनीवे अच्छा जी मूविंग ऑन टू 22 कदम 22 कदम सो अगैन बाइस कदम इज़ इज स्टेबल बाईस कदम हैज़ अ प परस कि आपने दिखाना है कि लड़कियों के खवाब हैं आपने लड़के का खावा भी दिखाया एंड आपने थोड़ी सी इंट्रीक भी डाल दी उसके अंदर तो इंट्रीक सिस्टरहड मिट्रियल ऑल ऑफ द आर कम्बाइंड बाईस कदम अटेबल वॉच आई वुडन से वेरी एक्साइटिंग वॉच बिकॉज मेरे ख्याल है कि जो डायनामिक वो टीम भी दिखाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है मगर नहीं होता

they don't like they have they don't have as as much muscle as they should aisa dekh ke lagta hai aur mera nahi khayal ki fat content zyada tha nahi fat bhi nahi hai kangris hain they they thin but they're not uh, either they're thin or they some of them are fat they're not well built but they're not muscular yeah they don't have muscle hey, muscular theek <laughs> hai बट है बाईस कदम इट्स जैसे आपने कहा इट्स स्टडी watch yeah. enjoy करता है बंदा एक episode देख yeah. के

मूविंग ऑन टू आमना जी मैं आज हैं फिर आज हैं मैं नहीं यार इतनी जल्दी क्या रह गया पीछे तीन तो ड्रामे रह गए नीम तो रह गए नीम और, और वो रह गया जी मैं, मैं क्या कहना चाहेंगे आप यार? यार मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पागल हैं सारे यार ये बड़ी गहराई है इस ड्रामे में क्या गहराई आप नहीं समझे मैं नहीं समझ पा रहा समझाएं आप ये देखिए ना कि जो मुबशरा जाफर के एमरल्ड्स थे हां यार आप देखें कि इतना बड़ा बड़ा है इट वाज हर राइट ठीक है और इतने बड़े बड़े एमरल्स पहने हुए हैं कहा कि मैं और कान में भी और गले में पता है, इतना बड़ा जो है अच्छा। अगर क्लियर महंगा तो उनका सेट था तो ये महंगा असल ओ, जो अच्छा पत्थर होता है ना हसन ये आप हमेशा याद रखेंगे जो असल पत्थर होता है ना जो स्किन के साथ लगता है ना इमोशंस के साथ साथ रंग बदलता है

आसिफ तो अंकल कहना चाहते हो ना आसिफ कूल जो है जय मैं तो उनको यार कूल कहूंगी ही इज द वो जब लेके जा रहे थे मुबशरा को और गाड़ी में बैठे हुए थे मैंने कहा यार ये जोड़ी तो इतनी अच्छी लग रही है <laughs> यार आमना दिस इज लाइक दे आर दे लुक सो गुड टुगेदर ऑकवर्ड बात है यार नहीं क्या बात है यार यार वो फादर इन लॉ है उसकी

अच्छा ये जो मुबरा का दुपट्टा था वो अटका हुआ था पीछे उसके बालों के साथ like, what, मतलब, a, like like no, like, पीछे वो जो बालों का क्या होता है गोला बना हुआ था जुड़ा था जुड़ा जुड़े और जुड़े के ऊपर वो टिका हुआ था तो मैंने ये क्या फैशन मुझे समझ नहीं आई द पर्पस ऑफ दैट इज दैट लाइक

कि अगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया ना तो इस घर में किसी का फ़ोन नहीं बजेगा मैंने सोचा मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि फोन बजेगा नहीं इसका क्या क्या फोन हाँ। कर लेगी सबके होगा सब क्या हाँ। 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 अच्छा आसिफ भाई क्या कहते हैं अंकल को यार भाई ना कहने क्या कहूँ आसिफ कहू आसिफ हाँ। आसिफ कहते हैं कि कहते हैं तो कहूँ ना थोड़ा जी सा तो मेरा उनका तहजीब का बैरियर होना चाहिए तो आसिफ कहते हैं अपने उनको दूसरे जो जाफर साहब हैं जाफर साहब तो कैसे उनको जाफर अंकल जाफर अंकल कहते हैं यार मैंने ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था जैद से तो मैंने अपने आप से पूछा मैंने कहा कैसा रिएक्शन <laughs> आपने एक्सपेक्ट किया था <laughs> कि जैद क्या है आपका दुम्बा है कि वो बोलता कि अबू? मैं इंतजार करती रही उस डायलॉग का जो ना आया क्या कि जैद को जिस दिन हमने गोद लिया था मुझे पता था कि ये वो सांप है जो में नहीं नहीं वो नहीं होना वो सगा होना। सगा खून बेटा लेकिन यार कोई उन्होंने मतलब मैं कहूँ यार ये अंकल इतने क्या बात क्या कर रहे हैं आसिफ साहब मतलब क्या, आ, वो एक कि क्या और क्या होना था लाइक like, यार मैं और क्या करता? मैंने डील की मैंने ये गए एकदम एकदम आसफ कह रहे थे सोल्यूशन क्या गया था ऊपर से कह रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में यार, तो मुझे और प्रेशर दे रहे हो लास्ट वो कह रहे हैं अंकल मेरी बेटी काफी फिट है ना उनको प्रॉब्लम है ना हेल्थ का ना हार्ट हाँ मैंने कहा इन दोनों अंकल में से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि खुदा ना खासा किसी को दिल दर्द हो और वो अस्पताल पहुंचे लेकिन मुझे एक जो बात है ना आसिफ सर की बहुत अच्छी लगी मैं कहा यार उनको आसिफ कह आसिफ आसिफ की मुझे बहुत बात है क्योंकि उन्होंने हरकत ऐसी आ की आ के के ये बुजुर्गों वाली हरकत की हो <laughs> टिपिकल बुजुर्गों वाली क्या? हरकत की जब वो अंदर आते हैं कमरे में लाइटें वाइटें ऑन करते हैं और जैद के साथ उनकी एक पूरी कॉन्वर्सेशन होती है जैद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जैद कहता है कि मैं तो समझ रहा हूँ कि आप स्ट्रेंजर हैं और बहुत ही वो कोई दिन होगा जिस दिन मैं आपको माफ कर दूंगा वरना मुझे तो लगता है मैं आपको माफ़ ही नहीं करूँगा तो राइटली सो वो कहते हैं कि आई थिंक यू नॉट इन योर सेंसेस तो यार ये यो तो मुझे समझ नहीं आ रही तो यू नो उसको छोड़ देते हैं कि चलो यार सुबह तक ये साइड ठीक है जाते जाते ना लाइटें ऑफ करके गए क्या छोटे yeah. लोगों वाली बात की है <laughs> मैंने सिर्फ देखा जब वो लॉन में मैंने बचाओ के लिए अपने लिए। अब मैंने जब देखा कि जब वो लॉन में खड़े हुए थे हाँ। माशाल्लाह यार जिसका भी घर अल्लाह नसीब करे आपको ब्यूटीफुल लोकेशन लाइक इट्स नॉट इवन इट्स अ मैं जितनी बत्तियां वहां पे जल रही थी उस वक्त <laughs> मैंने कहा यार इनको क्या टेंशन होगी बिजली के बिल की लेकिन जाते हुए अंकल ने क्या किया अंकल ने सारी लाइटें बंद की मैंने कहा यार ये ये वाकई में ये बंदा बता रहा है कि यार खून पसीने दो की कमाई है हराम का पैसा नहीं है क्योंकि है है हमें पता है। जो भी है लेकिन अंकल ने मैंने बहुत पैसे बहुत लगा हुआ है ये सिम्बॉलिक था ये सिम्बॉलिक क्यों था क्यों सिम्बॉलिक ये था उन्होंने जो डील की किस लिए की और किसी के लिए नहीं की पैसे के लिए शादी कराने का मकसद ही ये था जो उसने ताना भी मारा ने क्या आपने अपना खोटा सिक्का चिपका दिया शेयर होल्ड दोनों जो बाप थे उनका मकसद असल में यही था कोई दोस्ती वोस्ती course, नहीं कोई कुछ नहीं पैसा हा, 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 हा। और वो पैसा इतना रचा बसा आसिफ के अंदर कि आसिफ जाते हुए भी आप देखें कि वो बंद करके गए लाइटें कहा यार इसने रोना ही है ना लाइटें ऑन करके रोए लाइटें बंद करके रोए रोना तो रोना हर चीज उनकी पैसे बचाने की इंडिकेशन देती जो आपने नहीं सोची होगी क्या यार आप देखिए उनका जो वेडिंग आउटफिट था हाँ हाँ मिस्टर आसिफ का वो बड़ी खूबसूरत ब्लैक शेरवानी थी राइट और ब्लैक शरवानी के जो इनर होता है ना वो यूजुअली अगर आपका अच्छा डिजाइनर है या कोई खानदानी डिज़ाइनर है तो इनर भी उतना ही खूबसूरत होता है यार उन्होंने जो है शलवार के मीज़ रात को था ना वो बड़ा एल फिटेड था

हाइट बढ़ है उनकी बड़े हो रहे हैं वो वक्त यार हीरोइक हैं वैसे कौन आसे सर या क्या मैं कहूं आसे अच्छी जोड़ी थी उनकी और वर्षा बहरहाल वो बेचारी बच्ची जो थी जिससे शादी ना हो पाई वो यहाँ पे बम बम फोड़ के तो वो चली गई रक्षे पे बैठ के घर और घर जाके भाई को कहती भाई ये तो मातम है तो अभी अफसोस कर मुझे तसली वाली ना देना हाँ। और वो लड़का जो है वो अपनी ऑडी लेके कहता है चलो मैं तो जा रहा हूँ नहीं नहीं रात को पहले तो ऑडी लेके चला गया ना हाँ, अपनी हाँ, हाँ, उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ मैंने कहा दुबई जा रहा है शायद यार्ट जा रहा था लेकिन वो फ्लाइट पे बुक करा के जा रहा था जहाज पे यार्ट पे नहीं जा रहा था इस बार फिर बारह लाख आजकल का प्राइवेट जेट है आप लोग तो इजी ना ले उसने कहा टिकट करा दो पहली पहली फ्लाइट जो भी मिलती है प्राइवेट जेट तो टिकट क्यों करा रहे गरीब लोग हैं ये लाइटें बंद कर लाइटें बंद जो कर रहे हैं कपड़े पहनते है। यार ये तो बात है लाइटें बंद की ना तो मुझे महसूस हो मैंने कहा यार ये हाँ इनके दिल का दर्द भी समझे हाँ और कह रहे हैं बिजली बहुत महंगी होगी कराची में यार आपको पता है बिजली के बिल डबल हो गए लोगों के बिल्कुल तो कह रहे और कुछ नहीं तो यार पैसे तो बचाओ।, बचाओ और पता नहीं अब मिश्रा के साथ इसका पैचअप हो ना हो हाँ, सारा हाँ, बिजनेस जो डील हाँ, की है वो हाँ, भी जाती रहे तो ये हुआ बहरहाल अंकल ने फिर सुबह ब्लैकमेल किया चलो दफा हो जाओ जो करना करो अपनी बहन का तो ख्याल करो तो जैद है बेचारा शरीफ आदमी उसने कहा यार चलो बहन से मिलने चला जाता वहाँ बहन कह रही है की मैं कमरे में जा रही हूँ कमरे में आके मुझसे जब तक माफी नहीं मांगेगा मैं नहीं आऊंगी तो लेट्स सी अब क्या होता है देख रहे हम गाड़ी में बैठ गए वो अगली बार तो हो गए कुछ 16 सफाई बिल्कुल तो देखना या नहीं देखना नहीं नहीं देखना है ठीक है देख लेते हैं है, है नहीं कुछ और तो क्या करें देख लें जी मूविंग ऑन टू अपना जी नीम ओ मौसम नहीं जैसे भी हो नेम जी ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी वेरी पावरफुल एपिसोड बड़ा उसका यार परफॉर्मेंस वाज लाइक यार जिब्रान के लिए तालियां बजाएं जिब्रान के लिए मैं कह ही नहीं कि हम जो Uh, discuss the categories. This is the category, you know. Actor in a negative role. Oh my God and how? What a fantastic performance by him and by by Hasan Hasan. Yeah. Both of them. Very good performances. Or a puri episodus

मैं आ जाता आप मैं मैं आज नहीं मैं छोटा छोटे बच, बच्चे ना बने करामत भाई छोटे बच्चे ना बने तो कहते बच्चा बन गया तो फिर क्या स्माइल तो मुझे भी कान पकड़ के फिर सजा देनी नहीं नहीं वो नहीं मैं तो वो टीचर वाली बात कर रहा था कौन सी प्रोफेसर साहब जो आए नहीं वो नहीं मुझे बड़े जर्मन लग रहे थे उधर

क्या नहीं नहीं बट मैंने ये कह रहा था मंजर साहब मंजर साहब हैज एन ऑरा यार वो ही लुक सो ही हैज एन ऑरा ही हैज प्रेजेंस ऑन स्क्रीन ही इज जस्ट सो गुड ही इज वेरी गुड लुकिंग आल्सो डिलाइटफुल टू या आई मीन एब्सोल्युटली ही गॉट ही गॉट द स्वैग या मैन इज गुड लाइट बड़ी अच्छी थी ही इज गॉट द ही इज गॉट मोर स्वैग देन अ लॉट ऑफ आवर लीडिंग मेन पुट टुगेदर ही इज ही गॉट इट या

वैसे गिची पकड़ के उसको कह देता तो क्या या मार तो देता उसको भी पानी में जहर उसने उसको भी तो मेजरली तो सीरियल किलर बन चुका है कुछ वैसा ऐसा वैसा बट यार जिब्रान की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है winning जिब्रान ने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इट वाज सो गुड दैट आई कुड फॉरगिव द फैक्ट दैट अशर डिडंट कम बैक इन दिस एपिसोड राइट हां एंड रिमल एंड अशर हैव स्टिल नॉट मेट आई कैन फॉरगिव दैट हाँ, हमने कमी नहीं महसूस की है शायद बिकॉज़ दैट परफॉर्मेंस वाज सो पावरफुल चिलिंग परफॉर्मेंस चिलिंग चिलिंग ना हमने ज़िमल को देखा ज्यादा ना हमने ऑफ कोर्स शाहजिल और मरियम तो निकल ही गए हैं ट्रैक में से कंप्लीटली ना हमने कैमिला को देखा ना उसके दोस्त फैसल भाई को देखा किसी को नहीं

बच्चों की तरह जिद कर रहा anyway, मैं हाँ। है ना एनीवे मैं खैर ठीक है बच्चों की जिद आप लाड में एड्रेस करते हैं मुझे थोड़ा सा लगा जैसे कि इट वाज ऑफ उसकी न्यूंस मुझे ऑफ लगी थी उस डायलॉग की बट ये कि ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड या या गुड ग्रेट एपिसोड मूविंग ऑन टू आमरा जी फाइनली हो गई आपको लगा उस सीन का कोई रेलेवेंस है जो बेटी आती है और मियां देखता है उसको मारते हुए बीवी को मैं तो पहले दोस्त उसका जो वो जाती भी है अमजद से मिलने और मुझे तो नहीं समझ आई करामत का डी एंड भी तो होना ना किसी तरह से तो शायद उसके लिए हो आई डोंट नो शायद वो बेटी वो मार वो दे वो बाप को आई डोंट नो लेट्स सी मूविंग ऑन टू फाइनली आमना जी सारे ड्रामे पढ़गा दिया आपने बड़े आप लोग तो तेजगाम चला रहे हैं आज द लास्ट एपिसोड ऑफ यूं ही क्या कहना चाहेंगे आमना मिले हो यूं ही

पार्ट पार्ट आपका आपका क्या कह 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 और नॉन नहीं, non... नहीं मेरा कह रहा. मेरा रहा रहा ये है हुँ. हुँ. Mixed Mixed है कि मैं मैं फीलिंग्स मेरी बैग ऑफ एक तरफ माइंड बनाने की कोशिश नहीं एक तरफ से मुझे बहुत अफसानवी बात लगी कि यार उसके वो उसने you know, वो, ये वो लड़की है जिसने सब कुछ तब्दील किया है ठीक uh, so so, तो है लेकिन, hmm... आपने कहा लिया उसने? ये नहीं, वो जा मतलब रहा है उसके पीछे है अमेरिका

हमें नहीं पता कि एक साल में इनकी कोई कोई ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी या नहीं थी hmm. या कनीस फातमा की घर में किसी के साथ भी सुरैया के साथ तो उसका सही रिलेशनशिप hmm. था ना इकबाल के साथ उसका जुल्फी के साथ था yeah. बशारत के साथ यही था माँ बना के गई है hmm. तो क्या किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था hmm. पूरा साल कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई वी डोंट नो दैट हैज बीन लेफ्ट टू आवर इमेजिनेशन नो बट वी नीड टू नो ना

इसमें किया है आप अगर ये देखें कि उन्होंने ये दिखाया है कि लड़का साल अपना लगाता है वहां पे जो उसका ही वॉन्ट टू गिव बैक टू सोसाइटी वो उसने किया वेरी गुड लड़की जो थी वो अपनी मर्जी से वापस जाना चाहती थी वो चलेगी उसने अपना डिसीजन लिया वो चलेगी ठीक है वेरी गुड लड़के ने साल अपना कॉन्टेम्पलेट किया मैं क्या चाहता हूँ मैं क्या नहीं चाहता और जो उस नतीजे पे पहुंचा वो ये कि कि यार कि वो लड़की के पास अमेरिका जाना चाहता है वेरी गुड लड़की ने अपना साल कॉन्टेपलेट किया सारा कुछ सोचा उसने सोचा यार कि मैंने दीन को स्टडी किया है मेरे अंदर मैं समझती हूँ कि हुँ। ये तब्दीली आनी चाहिए ना कि किसी के प्रेशर में आके ना किसी को खुश करने की वजह से ये भी हो सकता था कि साल वो पढ़ती समझती और कहती yeah. यार कि मुझे नहीं समझ आई ah. बट उसको समझ आ गई और वो लड़के से मिलने आ गई, बात खत्म अब आगे क्या होगा हो सकता है वो अमेरिका चले जाए नो hmm. हो सकता है कि वो उसके साथ अमेरिका चला जाए, यहाँ पे सेटल हो जाए ओपन hmm. एंडेड छोड़ा है मेरे तो ख्याल में ठीक था मैं मतलब वो जो केमिस्ट्री हम एक्सपेक्ट कर रहे देखे ना आपने पीछे बैकग्राउंड हाँ, में फायरवर्क्स थे और फिर उन्होंने उसने उसके कंधे पे हाथ रखा के उसने कहा आई लव यू उसने कहा लव यू टू लव यू दाऊद हां दाऊद नहीं लव यू टू दाऊद वो पहले कहता कनी कुछ और कहती कहती है थैंक यू वो कहता कनीस फातिमा कहती लव यू टू इट वाज क्यूट ठीक था अच्छा था अच्छा था बुरा नहीं था मतलब और क्या होता दूसरा मैंने देखा

कि उसने oh, so, so, खुद डिसीजन लिया yeah, yeah. अब वो एक खातून, एक खातून लड़की कोई भी डिसीजन लेती है किसी के प्रेशर में आए बगैर hmm. वो सही है I don't know, it's just that when आपने इतनी किस्तें गुजारी हो वेटिंग टू सी दैट सीन ऑफ लव एंड अ हीरोइन

बट द वे इट वाज प्रेजेंट आप एग्जीक्यूशन की बात कर रही हैं आप कांसेप्ट की बात नहीं कर रही हैं ठीक था मुझे अच्छा लगा यार ये ठीक है हां you know, मुझे कांसेप्ट भी सही लगा मुझे एग्जीक्यूशन भी execution सही लगी एग्जीक्यूशन मुझे थोड़ी फीकी लगी ठीक है yeah. मैं ये सोच रही थी पीछे चांद इसलिए ये वीएफएक्स है ये क्या है कि? मैं सोच रही थी ना कि क्यों फायरवर्क्स हो रहे हैं ईद तो नहीं हो सकती बिकॉज़ इतना बड़ा चांद ना होता न्यू ईयर होगा न्यू ईयर हो रहा हो सकता है क्या क्रिसमस है

baral you has, has been an interesting watch i'd mm -hmm. say uh, and at, at, at the concluding episode after the final episode i'll say that our criticism after the first second third fourth mm -hmm. fifth whichever episode it was i think stands still yeah, it was justified

I think that he's not a bad performer. As, magar that role could have been a lot more expressive. I feel as an actor, he can be more expressive. There could be more emotions on his face, which there weren't. So I think that there is room for more expression, for sure. You not hero heroism So that helps him. Uh, it helps you get over those things in his performance. Okay. I कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किरदार था जो किरदार जो इमोशन मांगता था वो बिलाल ने उसको दिया है तो जो आप बात करिए मैं चाहूँगा कि हम बिलाल को किसी ऐसे रोल में देखें जो कि लेट्स से के शायद कॉमिक कोई कैरेक्टर है या उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है तो फिर एक बेहतर बेहतर पोजिशन में मैं हूँगा टू जज

तो ये माया इज अ गुड एक्टर माया इसमें कोई शक की बात नहीं है और शी लुक्ड द पार्ट एज़ वेल लुक्ड द पार्ट शी लुक्ड ग्रेट एंड जो जो थे हमने आई थिंक इट्स वैलिड क्रिटिसिज्म कि अगर आप एक कैरेक्टर है उसकी एक खास किस्म का डायलेक्ट है कि कहीं से बिलोंग करता है तो अगर थोड़ी मेहनत कर ली जाए उस पे तो कोई हर्ज नहीं है हां और ये ये बात नहीं है कि खुदाना खासम ये कह रहे हैं कि यार अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं इतनी जैसे हम जिंदों में बात करते हैं जिंदों में हुमैमा ने सारे एक्टर ने गौहर ने सब ने नजर बिल्कुर, ने बिल्कुर। सब ने पुट ऑन किया ना एक सर्टन डायलैक्ट एक सर्टन झोक आ... सरकार में हर बंदा झोक सरकार में और आपने आसिफ रजा मीर साहब के बारे में यही बात बोली थी यार उनका इतना वो है सकीना सम्मो साहिबा का जो है डायलैक्ट जो है वो साफ है वो है? क्यों है? तो ये फेयर बात बात है है मेरे मेरे ख्याल ख्याल में में इसको yeah. पर्सनली या उस तरह लेने की मेरे में बात नहीं है कोई बाकी भाई डायरेक्टर yeah. कुछ सीन सीक्वेंसेस कुछ चीजें बहुत अच्छी थी कुछ yeah. पे हमें जो बेटर

है ड्रामे आपने ये भी नहीं किए भी नहीं किए मन्नत तो और मुराद हम अगले एपिसोड में करेंगे जी क्योंकि मन्नत और मुराद अब आता है मैं है। तो अब सर एंड मैडम्स विद लव एंड रिस्पेक्ट एंड विद फोल्डेड हैंड्स बिकॉज हमारे हर रिव्यू पे कोई ना व्यू कह रहा था वो ड्रामा क्यों नहीं कर रहे तो हमारे तीन एपिसोड आते हैं एक हमारा मंडे को आता है जिसमें हम थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे के ड्रामे डिस्कस करते हैं एक हमारा रिव्यू आता है वेंसडे को जिसमें हम मंडे और ट्यूसडे के ड्रामे संडे और मंडे के ड्रामे डिस्कस करते हैं